क्रिस, जैसे मेरे अब्बू ने भी जान पत्थर बनाया था तुझे, आज फिर से वही काम उनका बेटा करेगा। छोटा कोतवाल तो सच का जाबाज निकला। सही कह रहा था ये। है छोटा पर काम बड़े करता है। एकदम अली की तरह बेखौफ दिख रहा है। अगर बाबा यहाँ होता तो वो भी हमारी ऐसी हिफाजत कर रहा होता। अगर बाबा यहाँ होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये छोटा कोतवाल कोतवाल है, लोगों की हिफाजत करना इसका काम है, और कोई भी ऐरा गैर अली जैसा नहीं हो सकता। खत्म कर दो इस कोतवाल को। ये वक्त तुम्हारे वफादारी निभाने का है। हमारे आका इब्लिस को लेके जल्द से जल्द गुफा में लौटो। भैयान, से पहले कि वो कोतवाल उठ जाए, हमारे आका इब्लिस को लेकर जल्द से जल्द गुफा में लौटो। ये शैतान तो मामूली गली की तरफ जा रहा है। देखा, चलो। उठिए भाईजान, उठिए। आप हमारे आखिरी उम्मीद हो। अगर आप नहीं उठे तो इब्लिस भाग जाएगा भाईजान। उठिए भाईजान, उठिए। हमें इब्लिस को रोकना होगा आसान। अगर इब्लिस फरार हो गया तो सिमसन को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सिमसन की कैद से मर्जीना को छुड़ाना है, हमें इब्लिस को फिर से कैद करना होगा। ये शैतान दो भागते गोलों से हमला कर रहा है। ये छोटे कोतवाल उस डंडे को जमीन में क्यों गाड़ रहे हैं? इससे तो शैतान को मारना चाहिए ना। छोटा कोतवाल आखिर करना क्या चाह रहा है? इब्लिस को कैद करने के लिए पिंजरा बना रहा है क्या? लोहे की बेड़ियां तो रोक नहीं पाए शैतान को, इससे क्या रुकेगा वो? बड़े कोतवाल, अब इस बाग पानी से तू नहीं बचेगा। शैतान की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पाकीज़गी की ताकत के आगे दम तोड़ देती है। अच्छाई की ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाए ना शैतान। आदार, अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करो, आजाद करो मेरे नूरे निगाह को।
इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा ये कमबख्त हीडलेस। अरे चाचा चाचा पीछे आइए। उसके बाहर जाने से पहले आप दुनिया से बाहर चले जाएं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ये छोटा कोतवाल उसे रोक क्यों रहा है। जाता है तो जाने दो उसे बाहर। वो उसे परवाज में क्यों रखना चाहता है? मुझे लगता है दरीबा वो हमारे अली के कातिल को ढूंढना चाहता है इसलिए। छोड़ना मत इसको। एक बार ये बेहोश हो जाए ना तो ऐसा मारूंगा ऐसा मारूंगा। ये तो मेरे घर में घुस गया। बच्चे नाजिया भाभी जिंदा कैसे हो गया? भागो बच जाओ। जानती थी बाबा कि आप हमें बचाने जरूर आएंगे। से बाहर जाओ। नहीं परा, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। तुम दोनों अली के भाग खुश रहो, दरीबा और बड़े कोतवाल के साथ रहना। चलो। नहीं। कह दिया तो कह दिया। कुछ भी हो जाए मेरे इब्लिस के जिस्म को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके जिस्म के बिना मैं अपने नूरे निगाह को दोबारा जिंदा नहीं कर पाऊंगी।
ये ब्लिस रुक क्यों गया था और ये किसे ऊपर देख रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की बात सुन रहा हो। शैतानों का आका ये ब्लिस किसकी बात सुनेगा? क्या चाल चली है सिमसिम ने? पर इंग्लिश को कौन हुकुम दे सकता है? सिमसिम हसन, तुम जाकर ऊपर घंटे को बचाओ और तब तक मत रुकना जब तक मैं ना बोलूं। घंटे की आवाज के शोर में तुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, सिमसिम की भी नहीं। हो ना हो इब्लिस सिमसिम के हुक्म से ही आगे बढ़ रहा है। सिमसिम पक्का छत पर है। सिमसिम आज तो मुझसे बच के नहीं जा पाएगी। कयामत से पहले हमें हमारे आका इब्लिस को गुफा में लेकर जाना ही होगा। जल्दी करो गदार, गदार सुनने हो ना मुझे? दार खड़ा क्यों है मेरे इब्लिस के जिस्म को लेकर? बाहर क्यों नहीं निकल रहा? सिमी जान, ये यहां क्या कर रही है? अली के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे ना आप? आखिरी बार आप ही मिले थे ना हमारे रखवाले से, तो बताइए ना कहाँ मिले थे आप अली से? अली के पास जादू कहाँ से आया या फिर वो खास चीज कहाँ से आई जिससे वो रखवाला बन गया? जान, शक तो मुझे पहले से ही था पर अब यकीन हो गया है कि तू ही सिमसिम है। शायद इस आवाज की वजह से आधार मुझे सुन नहीं पा रहा है। अब मुझे कुछ करना होगा। मेरे बच्चे हैं तो दूसरी तरफ सिमसिम, क्या करूं मैं? चलो जैसे कहा
गदार, मार डालो सबको, किसी को मत छोड़ना। अपनी मोहब्बत के दिल के बारे में सोचो गदार, और जल्दी से लेकर जाओ हमारे आका को गुफा में। मैं जानती थी बाबा कि आप जरूर आएंगे, अपने बच्चों को बचाने आप जरूर आएंगे। इस छोटे को तो हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर हमें बचा क्यों रहे हैं? कहा था ना, नाम है छोटे और काम करते हैं बड़े बड़े। छोटे, ये वार मेरी मर्जी ना खेली है। कोतवाल की वजह से मेरे नूरे निगाह का जस्म चल रहा है। इससे पहले कि मेरे इब्लिस का जस्म पूरी तरह से तबाह हो जाए, मुझे उन्हें गुफा में लेकर जाना ही होगा। लेकिन इस कोतवाल के रहते गदार मेरे नूरे निगाह को यहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा। गदार का काम यहीं पर खत्म होता है। अब मैं और शैतानी ताकतें आजाद करेंगे मेरे नूरे निगाह को। तैयार हूं मैं अपने इब्लिस को हासिल करने के लिए।